गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने अपना हेलोएल्केन्स एंड हेरोइन्स चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने एक लेक्चर पढ़ा था और नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड तक हमने डिस्कशन किया था। उसमें लास्ट पॉइंट जो थी नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है सी एफ बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होती है, एंड देन होती है सी सी एल बॉन्ड की, फिर सी बी आर एंड देन सी आई बॉन्ड। उसका रीजन मैंने आपको बताया था क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो एनिक कैरेक्टर की जो होती है वो सबसे ज़्यादा आती है सी एफ बॉन्ड में, ड्यू टू विच इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है और जो सी एफ बॉन्ड होता है उसको बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तक हमने अपना डिस्कशन कंप्लीट किया था एंड उसके आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो 10.4 पॉइंट है उसमें हमें दिया है कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स हमें करना है। आप देख सकते हैं उसमें 5-6 रिएक्शंस दिए हुए हैं फ्रॉम एल्कोहल्स प्रिपरेशन। तो बिफोर दैट आपको ये रिएक्शन समझ में आए उसके लिए हमें कुछ बेसिक डिस्कशन करने होंगे। तो आइए बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर का। तो जो बेसिक डिस्कशन है वो ये है कि हमें बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना होगा इंट्रोडक्टरी उसका, जो हमारा ट्वेल्थ के यहाँ पर ट्वेल्थ में यूज होने वाला है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये बेसिकली डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में। एक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है कि जो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेसिकली जो है रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल की वजह से। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूक्लियोफाइल हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी बिल्कुल नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं इनके पास हमेशा लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एंड सिंस लोन पेयर है तो लोन पेयर को वो अपने डोनेट कर देते हैं, इसलिए हम उन्हें न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जैसे में हो गया आपका Cl हो गया, इसके पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। OH हो गया, इसके पास भी न्यूक्लियोफाइल है। ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट आती है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज यूजुअल नाम से जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफाइल की वजह से स्टार्ट होती है। अब बात की इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो जैसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं होती, वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है वो कमी होती है,
इसीलिए वो जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो वो जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, ड्यू टू विच उसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम ई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल आपका एच प्लस हो सकता है, क्योंकि पास इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसने डोनेट कर दिया, ड्यू टू विच प्लस चार्ज आया है। अब अगर ये बॉन्ड बना ले तो इसके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे, जिसकी वजह से इसका जो आउटर सेल है 1:2 कम्प्लीट हो जाएगा, ड्यू टू ये एक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन को अटेन करेगा। अब थर्ड पॉइंट आती है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जैसे ये हमारा Cl हो गया, ये H है। अब ये क्या है कि ये इन एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड बना था, हमने इसका क्या किया कि हमने इसका होमोलाइटिक क्लीवेज कर दिया, हमने इसका क्या किया होमोलाइटिक क्लीवेज कर दिया, क्लीवेज मतलब तोड़ दिया इसको। तो होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए हमने इसको हीट दिया, इन द फॉर्म ऑफ लाइट हम दे सकते हैं, या डायरेक्ट हम हीट कर सकते हैं, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शंस के दौरान। तो इसमें क्या होता है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये एक एक इलेक्ट्रॉन की ओर टूट जाता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन जिसका जो है वो वापस चला जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फुल एरो से नहीं, एक वन एरो से, हाफ हाफ। आप देख सकते हैं हमने सिर्फ हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ही इसके पास गया एंड एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो इसके पहले थे, ये तीन लोन पेयर्स इसके पास पहले थे, एक बॉन्ड टूटने की वजह से आया, तो ये जो आया इसे हम रेडिकल बोलते हैं। समझ में आया। एंड सिमिलरली यहाँ पे एच रेडिकल भी एक फॉर्म होगा। तो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड लास्ट वन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें जो मोर ओवर पढ़ना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑल दो ये तीनों टॉपिक्स आपके 11th के हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं, बट यहाँ पर इसका काफ़ी यूज है, एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूज काफ़ी कम है, इसलिए मैं इसका डिस्कशन अभी नहीं करूँगा। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आगे चल के जो रिएक्शंस हमें आएंगी उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डिवीजन करें तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट आता है SN1, जिसे हम यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसकी बेसिकली जो बॉन्ड ऑर्डर होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो होती है 1, इसलिए हम यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। सेकेंड आता है हमारा SN2, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, तो इसको हम बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा SNI, इसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होते हैं हम आपको डिस्कस पूरी बताएंगे, बिफोर दैट मैं इनका बस एक बता रहा हूँ कि मोर ओवर कितने टाइप के होते हैं, एंड इसमें जो मोर इम्पॉर्टेंट हैं हम सिर्फ उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। एक होता है आपका SNNGP, जो हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है,
एंड एक और होता है SNAR, ये SNNGP जो होता है बेसिकली नेबर ग्रुप के पार्टिसिपेशन की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसलिए हम SNNGP बोलते हैं इसको। एंड जो लास्ट वन है SNAR, ये हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। एक आध दो एग्जाम्पल अभी आगे इसी हेलो अरेंज चैप्टर में आएंगे हैं, तो वहाँ पर मैं इसका डिस्कशन करूँगा कि जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी जो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एलियंस सॉरी हेलो एल्केन्स जो है इसमें 6 रिएक्शन दिए हैं, उसमें ये तीन जो रिएक्शन है SN1 SN2 एंड SNI ये यूज्ड हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसे बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए फिर हम अपना SN1 रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। SN1 रिएक्शन मैंने आपको बताया इसे हम यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि आपको कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले लें, लेट्स से दिस इज CH3, दिस इज CH2CH3, हमने एक बॉन्ड लिया अबव द प्लेन जिसमें हमने मान लिया क्लोरीन लगा दिए, और एक बॉन्ड हमने लिया बिलो द प्लेन जिसमें हमने हाइड्रोजन लगा दिया। इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इस बॉन्ड का मतलब होता है कि आपको पता है कि CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है जो एक नॉन प्लेनर होता है, तो उसमें अगर हम किसी भी दो एटम्स को या फिर दो ये CH3 और CH3CH2 को अगर हम प्लेन में ले लें तो एक ग्रुप जो आएगा वो प्लेन के अबव जाएगा एंड एक जो जाएगा वो बिलो जाएगा। जैसे अगर हम इस पेज को एक प्लेन मान लें तो ये क्लोरीन एटम जो है ये ऊपर की तरफ है इस पेज के, एंड हाइड्रोजन एटम जो है वो इस पेज के नीचे की तरफ है, और CH3 और CH2CH3 जो है ये इसी पेज पर लाई करते हैं। ये इसे हम वेज डैश फॉर्मूला बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वेज डैश फॉर्मूला। अब बात आती है कि इसका हम SN रिएक्शन कैसे कराते हैं। तो हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, सॉल्वेंट के थ्रू आ जाता है, या फिर हमारे गिवन होता है न्यूक्लियोफाइल, किसी न किसी रिएक्शन कराते हैं तो रिएजेंट्स हमें गिवन होते हैं, रिएजेंट्स ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। और अब मैं बता दूं आपको कि SN रिएक्शन में हमेशा सब्स्टिट्यूशन होना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक चीज को हटाकर खुद ऐड होना। जैसे मैं अगर हम इस क्लोरीन की बात करें तो ये क्लोरीन जो होते हैं ये लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप मतलब ये इस ग्रुप को इस कंपाउंड को छोड़ के चले जाते हैं एंड उसी जगह पे ये न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होता है। समझ में आया? तब SN1 रिएक्शन कैसे बनती है? SN1 रिएक्शन क्या होता है कि जो क्लोरीन है जो एक लिविंग ग्रुप है ये इस ग्रुप को छोड़ देता है लाइक दिस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके वजह से इस मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है CH3 CH3 CH2 एंड यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया एक प्लस चार्ज क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो अब इसके पास प्लस चार्ज आएगा एंड क्लोरीन पर माइनस चार्ज आएगा। ये हमारा लिविंग ग्रुप था वो निकल गया, अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। इससे पहले ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड जब था तब इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इसकी ऑक्टेट कंप्लीट थी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। बट जब क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल बन गया,
मैंने आपको ऊपर समझाया था कि इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस मॉलिक्यूल के प्लस चार्ज पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। अब जब ये डोनेट करता है तो ये CH3 एंड दिस इज CH2 CH3। अब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके इसमें ऐड हो जाता है। अब जब ये निगेटिव चार्ज था तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया तो डोनर हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, तो जब ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया तो पॉजिटिव निगेटिव मिलाकर न्यूट्रल हो गया, तो ये न्यूट्रल आ गया। और ये पॉजिटिव था, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो ये न्यूट्रल हो गया ये भी, और हाइड्रोजन हमारा एज इट इज ऐड हो गया। दिस इज नोन एज SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ये। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों होती है, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रॉपर्टीज पता होंगे, केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ रखा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है कि इसकी जो रेट होती है, अगर हम कोई भी रेट कांस्टेंट के मान लें, तो इसकी रेट जो होती है वो सबस्ट्रेट, ये जो सबस्ट्रेट है इसकी पावर 1 पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए हम इसे SN1 रिएक्शन बोलते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आया, ये जो हमारा कार्बोकैटायन जो बना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होगा, यहाँ पे चार थे तो यहाँ पे sp3 हुआ, ये हमारा हो गया SN1 रिएक्शन। आइए SN1 रिएक्शन में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बात कर लेते हैं। अब हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को लो लेके, एक नॉर्मल कॉपी पे जैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है हम वैसे स्ट्रक्चर इसके बनाते हैं, CH3 CH2 CH एंड दिस इज CH3 एंड दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन को ही मान लेते हैं। और हमने न्यूक्लियोफाइल लाया, अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, मतलब क्लोरीन जो है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्लोरीन का जो पोजीशन है वो एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन एंड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा और ये Cl- यहाँ से निकल जाएगा, दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आते हैं कि लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपको बता दूँ, हैलोजन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। फ्लोरीन लिविंग ग्रुप नहीं होता है क्योंकि गुड बैड लिविंग ग्रुप होता है ये बेसिकली, क्यों, क्योंकि नेचर ऑफ CH बॉन्ड जब मैं आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो आपको बताया था कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं कि रिएक्शन में इस बॉन्ड को टूटना है, अब चूंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को टूटने के लिए, इसलिए ये बैड लिविंग ग्रुप होता है। एंड ये जो CCl, CBr एंड CI बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू CF बॉन्ड, ड्यू टू विच दे आर गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो इजीली टूट जाती है। यहाँ तक बात समझ में आया, अब ये लिविंग ग्रुप की बात हो गई। अब दूसरा लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है, एक लिविंग ग्रुप हमारा OH भी होता है, बट ये बेसिकली OH जो होता है एक, ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, ये मॉडरेट होता है। तो इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हम इसे क्या करते हैं कि रिएक्शन में जब एसिडिक कंडीशन देते हैं, तो एसिडिक कंडीशन में जो H+ होता है,
एच प्लस एन को ये एक्सेप्ट कर लेता है और ये एच टू ओ में कन्वर्ट हो जाता है और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये जो है अब चार्ज आयन हो गया, तो अब ये अपनी न्यूट्रल होने के लिए फिर से ये कंपाउंड्स को लीव करता है, तो अब ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। आइए मैं इसे एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर सी एस थ्री ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन, इसको मैं बेसिकली एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लिया हूँ। और क्लोरीफ ये मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा है आयोडीन आई माइनस। अब आई माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है, ये लिविंग ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ से ये निकल जाएगा और आयोडीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा CH3 हाइड्रोजन आयोडीन ऐड हो गया एंड ब्रोमीन निकल गया हमारा, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। ये हमारा मान लीजिए OH है और यहाँ पर H है। अब हमने क्या किया इसको कि हमने न्यूक्लियोफाइल तो डाला, मान लीजिए हमने न्यूक्लियोफाइल डाला Cl माइनस, या फिर हम Cl माइनस ही ना डालकर हमें HCl डाल देते हैं। HCl आपको पता है एसिड है, ये जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल जाएगा H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, तो H प्लस यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोफाइल बन गया और Cl माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया, मतलब एक ही सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी है और सब्सट्रेट भी है। हमने कोई भी एक बीकर लिया जिसमें इस सब्सट्रेट को डाला था, उसमें हमने HCl डाल दिया, HCl जो है H प्लस एंड Cl माइनस में टूट गया। अब बात आती है कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्रुप को निकलना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कभी नहीं निकलता लिविंग ग्रुप की तरह एंड कार्बन जैसे मिथाइल इथाइल ये सारे ग्रुप्स भी नहीं निकलते हैं लिविंग ग्रुप्स, इनके सिवा ही कोई और होता है। अब यहाँ पर OH है, तो मैंने आपको बताया कि OH जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए हमने इसे H प्लस से रिएक्शन करा देते हैं। बेसिकली एसिडिक मीडियम जब भी होगा तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपना H प्लस एक्वायर कर लेता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आया, एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से था, ये H प्लस एक अटैच्ड हो गया इससे और इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, तो ये पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इससे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये चार्ज स्पीसीज बन गया, चार्ज स्पीसीज जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए अब जो है ये इसको लीव कर देगा एज अ लिविंग ग्रुप। यहाँ से H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, इस पर प्लस चार्ज था एक माइनस आया तो न्यूट्रल हो गया, H2 मॉलिक्यूल निकल गया। अब हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल Cl- वो यहाँ पर आके लग जाएगा, तो CH3 CH2 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखिए यही एग्जांपल्स हैं, आपको ये मॉलिक्यूल दे देंगे सबस्ट्रेट, आप एग्जांपल्स में अगर देख सकते हैं ROH दे दे रहा है, मतलब R की जगह पे ये बड़ी वाली ग्रुप हमने लगा दी है फॉर अंडरस्टैंडिंग, और अगेन वही HCl HBr से कुछ रिएक्शंस करा के हमने क्या किया एल्कोहल से हमने क्या बनाया हेलोएल्केन बना लिया। हमने क्या किया है इसे हेलोएल्केन बना दिया। अब हेलोएल्केन बन गया तो यही इसकी प्रिपरेशन हो गई, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम एल्कोहल, यही रिएक्शन। अब आपको जब तक ये रिएक्शन पता नहीं होती, अगर मैं सिर्फ ये बता देता कि OH की जगह Cl लगा देना है, तो ये आपको लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे, इसलिए हमें ये सब बताना पड़ता है। ये हमारा हेलोएल्केन फॉर्म हो गया, इसकी नॉमेनक्लेचर भी आप कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर आप इसको स्ट्रेट बना लें CH3 CH2 C
CH3 Cl H ऐसे ही होगा। अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो इसको नंबर क्या होगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। और हमने स्टार्ट किससे किया था, हमने स्टार्ट किया था 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन से। हमने स्टार्ट किया था 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन से और फॉर्म हुआ 2 क्लोरो ब्यूटेन। दिस इज द प्रिपरेशन, इसे ही हम प्रिपरेशन बोलते हैं। यह तो बात हुई SN1 की। SN2 भी सेम रिएक्शन होती है, बशर्ते उसकी थोड़ी सी डिफरेंस होती है। और डिफरेंस क्या होता है कि उसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, वो उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कि जब ये ब्रोमीन निकलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कार्बोकैटायन बनाता है, ये कुछ इस तरह से, ये इसी का इंटरमीडिएट होता है। ये जो होता है इंटरमीडिएट होता है, और फिर उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कंपाउंड्स अपना फॉर्म करते हैं। बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शंस ऐसा नहीं होता है। SN2 रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो आइए देखते हैं SN2 रिएक्शन कैसे होती है। SN2 रिएक्शन भी सिमिलर है, उसमें भी लिविंग ग्रुप्स होंगे, उसमें भी सबस्ट्रेट होंगे, उसमें भी सेम एज इट इज होंगी चीज़ें, बस थोड़ी चीज़ें अलग होंगी। हमने क्या किया, मान लीजिए CH3Br हमने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड। हमने इसको क्या किया, न्यूक्लियोफाइल दिया। जब हमने इसको न्यूक्लियोफाइल दिया तो इसमें क्या हुआ कि जो सी है, हाइड्रोजन, तो ये अभी टूट के निकला नहीं होता है, तब तक ये न्यूक्लियोफाइल जो है सॉल्यूशन में वो बैक साइड से अटैक कर चुका होता है। अब ये टूट ही रहा होता है, ये CH3 और Br, जो C और Br का जो बॉन्ड है वो भी टूट रहा होता है, कम्प्लीटली नहीं टूट रहा होता है, तब तक ये अटैक कर देता है न्यूक्लियोफाइल कुछ इस तरह से। ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है इसका, ट्रांजिशन स्टेट जो बना हमारा इसका। अगर हमें स्ट्रक्चर पता ना हो तो स्ट्रक्चर जो हमारा बनता है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बनता है। अब जो होता है वो ब्रोमीन हमारा टोटली निकल जाता है सेकेंड स्टेप में, और न्यूक्लियोफाइल टोटली ऐड हो जाता है, तो हमारा CH3NU फॉर्म होता है। और अगर हम इसकी रेट की बात करें तो कोई भी रेट कांस्टेंट के डैश अगर हम मान लें तो रेट जो है इसके सबस्ट्रेट के पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल के पावर 1 पर डिपेंड करता है। दिस इज SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में अब उसमें इंटरमीडिएट जो फॉर्म हो रहा था वो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, इस मॉलिक्यूल हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। अगर इंटरमीडिएट प्लस चार्ज आता है तो कार्बोकैटायन बोलते हैं। और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट जो बन रहा है इसमें ना कार्बोकैटायन बन रहा है, ना कार्बन आयन बन रहा है, और ना फ्री रेडिकल ही बन रहा है। बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर की, तो कुछ इस तरह से होता है। और अगर इस ट्रांजिशन स्टेट में हमसे कोई इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। आप प्लीज ये मत कर दीजिएगा कि इसमें 5 बॉन्ड है तो sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, नहीं हो सकता। कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है, वो मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन ही sp3 सॉल्व होता है, उसकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा होती ही नहीं है, तो sp3d होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। sp3d तो सिर्फ वही शो करते हैं ना जिनकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो, लाइक सल्फर, क्लोरीन एट्सेट्रा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब शो कर सकते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। बट इन दिस केस जो ये बॉन्ड्स जो टूट रहे हैं हम इन बॉन्ड्स की काउंटिंग नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, सिर्फ हम 3 सिग्मा बॉन्ड्स की बात करते हैं। और 3 सिग्मा बॉन्ड्स अगर है तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा।
अब जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि हमें अल्कोहल दिया हुआ है, ये अल्कोहल का अगर कॉमन नाउ अगर हम नेम बताएं तो उसका क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा क्योंकि अल्कोहल है तो प्रोपेनॉल होगा इसका। और हम इसका रिएक्शन जो करा रहे हैं HBr से करा रहे हैं, HBr ऑर्गेनिक एसिड है, एसिड है तो ये H प्लस Br माइनस में होगा सॉल्यूशन में जाते ही, H प्लस इस पर अटैक करेगा जिसकी वजह से CH3CH2CH2OHN प्लस चार्ज जाएगा। ये जैसे ही निकलेगा हमारा ब्रोमीन आके इस पर अटैक कर देगा और जो है प्रोपाइल ब्रोमाइड हमारा फॉर्मेशन होगा। तो हुआ ना प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम गिवन अल्कोहल, दिस इज द प्रिपरेशन मेथड। तो हमने डिस्कशन क्या किया, SN1 की डिस्कशन किया, SN2 का डिस्कशन किया एंड एक और हमें SNI रिएक्शन को इंट्रामोलिकुलर SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिएक्शन को डिस्कस करना है, तो आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम अपना इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दैट इज SNI रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसका बेस्ट एग्जांपल जो आपका भी NCERT में प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स में दिया भी है हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो है मान लीजिए कोई अल्कोहल दिया हुआ है आपको और इसकी अगर हम रिएक्शन SOCl2 से करा दें, हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, इसको हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। अगर हम थायोनिल क्लोराइड से किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन अगर करा दें तो जो OH है इसके प्लेस पर क्लोरीन आ जाता है, यही SNI रिएक्शन है। अगर आप इसकी मैकेनिज्म अगर जानना चाहते हो तो बता दूं आपको, इसके अगर हम मैकेनिज्म किसे कहते हैं, मैकेनिज्म वो होता है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप बताएं कि ये रिएक्शन एक्चुअली हो कैसे रहा है। जैसे अभी SN1 रिएक्शन मैंने आपको बताया कि SN1 रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक नहीं करता बल्कि जो लिविंग ग्रुप है वो फर्स्ट निकल जाता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये उसकी मैकेनिज्म हुई। और डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें लिखना हो तो डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल को लगा देते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है। बट अगर आप जानना चाहते हो इसका मैकेनिज्म तो आपको बता दूं मैं, कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है कि ये जो अल्कोहल है OH और ये SOCl2 है, आपको पता होगा कि ये जो है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या करता है, हम इस डब्बे को इधर बना लेते हैं बेसिकली ऑर्बिटल को, तो ये जिसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये अपने लोन पेयर को इसमें डोनेट करता है एंड जैसे ही ये इसमें डोनेट करता है ये एक क्लोरीन कोई भी क्लोरीन इसमें से निकल जाता है और कुछ इस तरह से फॉर्मेशन होती है। ओ इधर आता है एच एस ओ सी एल, समझ में आए, कुछ इस तरह से होता है। अब जो यहाँ पर अब इसके पास प्लस हो गया, अगर आप कंपेयर कर पाए तो मैंने आपको बताया था कि OH जो है वो वीक बेसिकली बैड लिविंग ग्रुप है, मॉडरेट हम उसे बोलते हैं बट कुछ कंडीशंस में मॉडरेट होता है, यूजुअली वो बैड लिविंग ग्रुप ही होता है। उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम उस पर एक H+ या किसी भी तरह से चार्ज्ड आयन को उसको हम चार्ज्ड आयन में
कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो आसानी से निकल सके न्यूट्रल होने के लिए। अब अगेन ये इस पर चार्ज आ गया और अभी अभी हमारा एक क्लोरीन यहाँ से निकला है, तो अभी क्लोरीन सॉल्यूशन में घूम रहा होगा, मान लीजिए क्लोरीन कुछ यहाँ पर घूम रहा था। अब इस क्लोरीन को क्या हुआ, किस क्लोरीन को जगह मिली सब्स्टिट्यूशन के लिए, इस क्लोरीन ने यहाँ पर अटैक किया और ये यहाँ से निकल गया। अब जैसे ही ये यहाँ से निकला क्लोरीन आकर यहाँ पर लग गया। यही है हमारा इंटरनल ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है इसकी बहुत ही छोटी सी मैकेनिज्म, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसे एजिटेड याद भी कर सकते हैं, या फिर अगर न भी याद करें तो आप इस बात से याद कर सकते हैं कि किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन अगर थायोनिल क्लोराइड दैट इज SOCl2 से अगर कराएं तो OH जो है वहाँ पर Cl हो जाता है, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होता है। एक और है हमारा जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट उसका जहाँ पर यूज होगा मैं वहाँ पर उसको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आपको भी डिफ़िकल्ट होगा याद करने में सारी चीज़ें। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको बता दूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर किसी को समझ में नहीं आता है, आपके अगर कुछ फ्रेंड्स हों या फिर कुछ भी हों वो हमेशा यही कहते हैं कि मोस्ट अगर डिफ़िकल्ट कोई केमिस्ट्री है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को पीरियोडिकली मतलब हर रोज़ आधा घंटा एक घंटा ही टाइम अगर दें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और प्रैक्टिस करते रहें तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो आपको क्या करना है कि आपको चीज़ें याद करने की कोशिश करनी है, लिख लिख कर याद करना है आपको, सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने देख लिया वीडियो लेक्चर वीडियो तो मिल ही जा रहा है बस देख लिए बस याद हो गया ऐसे। अगर आप ऐसे करते हैं तो बिलीव मी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाला, आपको उस टाइम लगेगा कि बट आ रहा है बट एक्चुअल में वो नहीं आ रहा होता। तो आइए अब हम वापस अपने NCERT के पास चलते हैं। तो आप देख सकते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट पॉइंट जो है 10.4.1 वो है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल में आपको मैंने SN1 SN2 बताया ही, एक SNI भी बताया मैंने आपको, आपको सब्स्टिट्यूशन दिखाया भी, सिमिलर टाइप के रिएक्शंस हैं, मैं आपको रिएक्शंस करा भी देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारा ROH गिवेन है प्लस HX है और ZnCl2 गिवेन है और इससे जो है हमारा RX बना हुआ है एंड H2 मॉलिक्यूल निकला है। आप इस तरह से ही देख सकते हैं, एक तरह का ये क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। HX का क्या मतलब है, X कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है, लेट्स से HX इज इक्वल टू HCl, हमने मान लिया कि HCl है। तो मैंने आपको SN1 रिएक्शन में सिखा डाला है, अभी जस्ट सिखाया कि H+ से इसका पहले RO पहले इसमें कन्वर्ट होगा ताकि ये गुड लिविंग ग्रुप बने। जब तक ये जाने को तैयार नहीं हुआ तब तक तो कोई आके ऐड ही नहीं हो सकता, तो अब इसकी तैयारी करने के लिए इसको H+ देना होता है। अब ये यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकलता है, H2O मॉलिक्यूल निकलता है तो ये R+ बनता है और फिर ये Cl- इस पर अटैक कर देता है, तो कुछ इस तरह का आपका मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। यही आपका क्वेश्चन में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में गिवन भी है। ये जो ROH जो जनरल केस लिया हुआ है, आपको इतने सारे एग्जांपल्स मैंने ऊपर कराया है, आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं या फिर आप कुछ और ही एग्जांपल अगर चाहें तो ले सकते हैं। लेट्स से दिस इज OH, इस बार हम HCl ले कि इस बार HI अगर हम ले लें, ये भी एक तरह का एसिड ही है, एक तरह के एसिड क्या मतलब एक एसिड ही है। अगेन H+ का प्रोटोनेशन होगा, पहले H+ इस पर आकर लगेगा फिर इसकी तैयारी होगी जाने की, जब ये यहाँ से निकलेगा तो I- आएगा
एच आई कैसे टूटेगा, एच प्लस एंड आई माइनस में, और आई माइनस फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा, जब ये निकल जाएगा तो कुछ आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन के आएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, इस बात तो कोई परेशानी नहीं है कि आप कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल ही लेना है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एग्जांपल्स में क्या रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो आर ओ एच है प्लस एन ए बी आर है प्लस एस टू एस ओ फोर है। अब एन ए बी आर आप देख सकते हैं, एन ए बी आर क्या है, एक सॉल्ट है लाइक एन ए सी एल, एन ए बी आर इज ऑल्सो सॉल्ट। जब आप इस सॉल्ट को किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये एन ए प्लस प्लस बी आर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप एन ए सी एल वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एन ए प्लस एंड सी एल माइनस में टूटता है। सिमिलरली जब एन ए बी आर को आप सोल्यूशन डालेंगे तो एन ए प्लस एंड बी आर माइनस में टूटेगा। तो बेसिकली एन ए बी आर इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको ये पता चले कि ये ब्रोमीन ही एक न्यूक्लियोफाइल है। अब बात आती है एच टू एस ओ फोर की कि ये किस लिए दिया हुआ है, तो आपको बता दूँ एच टू एस ओ फोर एसिडिक मीडियम के लिए दिया। एच टू एस ओ फोर क्या एक एसिड है, और एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो एच प्लस डोनर होते हैं। कोई भी एसिड को जब आप किसी भी सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो अगर हम एच टू एस ओ फोर को ऐड करते हैं किसी भी सोल्यूशन में तो एच प्लस प्लस एच एस ओ फोर माइनस में टूटता है। अब ये एच प्लस जो है इस पर अटैक करेगा तो ये आर ओ एच प्लस इस तरह से कन्वर्ट होगा। अगेन ये यहाँ से निकलेगा तो ये R प्लस फॉर्म होगा। R प्लस में अब ये जो न्यूक्लियोफाइब्रोमीन है वो यहाँ पर ऐड होगा और आपका ब्रोमाइड अल्काइल फॉर्म होगा, अल्काइल ब्रोमाइड। एज सिमिलर आप R कुछ भी ले सकते हैं, 3 डिग्री ले सकते हैं, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एज यूजुअल आप जो मन वो चाहे ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रिपरेशन में दिया है 3ROH+PH3। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 3ROH+PX3 गिव्स 3 moles ऑफ RX+H3PO3 वेयर X इक्वल टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। समझ में आया क्या? अच्छा, जो इससे पहले जो रिएक्शन मैंने आपको बताया था उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी दिए हुए हैं, ये बाय प्रोडक्ट्स का इशू ना है, मैं इसलिए आपको क्लियर कर दूं क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये कहां से बन गया। तो जब ये आर बी आर फॉर्म हुआ, जब ये सब्स्टिट्यूशन हुई, तब सॉल्यूशन में क्या एच एस ओ फोर माइनस तो है ही, एच एस ओ फोर माइनस भी है और एन ए प्लस भी है, तो ये दोनों कंबाइन होकर एन ए एच एस ओ फोर बना लेते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट होता है, और जो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं ये बेसिकली इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, तो इसे हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। एक्चुअली जो आपके कोई भी आंसर सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लिखते हैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखते हैं, बट बाय प्रोडक्ट्स भी आप लिख भी दें तो उसका कोई इशू नहीं है, और न भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कि ये रिएक्शन कैसे होता है। 3 moles ऑफ ROH गिवन है एंड PX3 गिवन है। PX3 मतलब क्या है, आपका PCl3 हो सकता है या PBr3 हो सकता है, ये PCl3 हो सकता है या PBr3 हो सकता है, इसका भी मैकेनिज्म होता है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है मैं आपको वो बता देता हूँ जिससे आप नॉर्मली प्रोडक्ट आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये मिड
एग्ज़ाम जो होने वाला है वो ऑप्शनल ही होगा, तो आपको प्रोडक्ट्स ही आपको ऑप्शंस में मिलेंगे, मैकेनिज्म से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मेथड जो है इसका मतलब क्या होता है कि एक PX3 जो है, लेट से हमने मान लिया कि PBr3 है, तो 3 मोल ऑफ इसका 1 मोल के लिए, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट्स आपने पढ़ा था वैसे ही इसके 3 मोल जब होंगे अल्कोहल के, वो इसके 1 मोल से रिएक्शन करेंगे, ऐसे रिएक्शन करेंगे। और H3PO3 कैसे बनेगा ये आपको बता दूं मैं। तो क्या होता है कि हमने मान लीजिए PBr3 हमने लिया, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, एक लोन पेयर यहाँ पर रहेगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, हर Br के पास एक एक ROH ले जाइए। किस तरह से आपको क्या करना है कि ROH लिखना है, ROH सिमिलरली ROH सिमिलरली ROH, हर एक के साइड में आपने ROH लिख दिया, क्योंकि 3 मोल थे, इसका 1 मोल था, हमने भी इसका 1 मोल लिया, बगल में 3 3 मोल लिख दिए। अब आपको इसको इजीली कर सकते हैं, ये RBr निकला, ये RBr निकला, ये यहाँ से RBr निकला, तो टोटल हमारे कितने निकले, 3 मोल्स RBr निकले, प्लस और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, बाय प्रोडक्ट H3PO3 होगा। कैसे आप देख सकते हैं, P 1 2 3 तीन हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस एंड 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 H3PO3 आपका बाय प्रोडक्ट हो गया, ये आपका एक्चुअल प्रोडक्ट हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि इसका 1 मोल PX3 का 3 मोल ऑफ एल्कोहल से रिएक्शन करता है, ये आपका एल्कोहल अगेन कुछ भी हो सकता है, मेथनॉल हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, लाइक CH3CH2OH प्लस, अगर हम PCl3 से इस बार रिएक्शन कराएं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा, इसके 3 मोल्स रिक्वायरमेंट होगी इसके 1 मोल के लिए, तो ये 3 मोल फॉर्म भी होगा, तो CH3CH2 जो यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन ही आएगा, एंड बाय प्रोडक्ट हमारा अगेन सेम रहेगा H3PO3। कैसे सेम, अगेन Cl हमने इसका 1 मोल लिया, फास्फोरस पास एक लोन पेयर रह गया। अब हमने क्या क्या इथेनॉल लिया, तो CH3CH2OH 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 हमने इस तरह से इनको अलग कर दिया, तो हमारा 3 मोल्स ऑफ क्या हुआ, CH3CH2OH दैट इज इथेनॉल प्लस H3PO3 दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। अगर इसका स्ट्रक्चर आप जानना चाहें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, PO OH OH एंड H, ये होता है इसका फॉस्फोरिक एसिड होता है बेसिकली। तो आइए अपने अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल PCl5 की बहन है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा गिवन है वो है ROH, अगेन एक एल्कोहल प्लस PCl5 गिव्स RCl प्लस POCl3 बाय प्रोडक्ट प्लस HCl। अगेन इसका भी आप मैकेनिज्म, अब अगेन मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म बनेगा, और मैकेनिज्म को याद करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो आपको बता दूं कि मैकेनिज्म न याद करने के बावजूद भी आप एज अ शॉर्ट ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप याद रखें, तो आपको बाय प्रोडक्ट्स भी आसानी से मिल जाएंगे।
जैसे ऊपर H3PO3 आसानी से मिल जा रहा था, कि पता चल जा रहा था कि H3PO3 कैसे बन रहा है और कौन कौन से एटम्स आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ POCLC आ जाएगा, लेट मी टेल यू कैसे, कि ये ROH जो है हमने इस तरह से बनाया और फिर जो है हमारा PCl5 गिवेन है, तो PCl5 हम कुछ इस तरह से बना देंगे। फॉस्फोरस से 5 हमने क्लोरीन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इसकी बॉन्ड्स की ब्रेकिंग करेंगे, बस हो गया हमारा काम। इसका क्या मतलब है, RCl एक साइड जाएंगे एक साथ, प्लस PClClClO दैट इज POCl3 एक साथ जाएंगे एंड HCl एक साथ जाएगा, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट। ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक, आप इसे बोल सकते हैं टू गेट द योर रिजल्ट इजीली। आप ROH अगेन कुछ भी ले सकते हैं, रेड से इस बार हमने प्रोपेनॉल ले लिया, CH3CH2CH2OH हमने इसका PCl5 से रिएक्शन कराया, PClCl ये हमारा PCl5 हो गया। अब हमने क्या किया, इस तरह से बॉन्ड्स का क्लीवेज किया कि CH3CH2CH2Cl दैट इज प्रोपाइल क्लोराइड, या फिर 1-chloroprop भी बोलते हैं इसको, एंड हमारा POCl3 एक साइड आया। आप कुछ इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। POCl3 एक ग्रुप में गए एंड दूसरे ग्रुप में हमारा HCl निकला, तो यहाँ पर ये भी ख़त्म होता है। इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो ये जो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है ROH रिएक्ट्स विथ रेड फॉस्फोरस एंड हैलोजन ग्रुप, जैसे दिस इज ROH प्लस रेड फॉस्फोरस X2 आप कुछ भी हो सकता है, Cl2 Br2 हो सकता है, R2 हो सकता है, X2 आपका गिवन है वैसे भी दिया हुआ, और इससे बोल रहे हैं कि RX फॉर्म, इससे कह रहे हैं कि इससे जो है हमारा RX फॉर्म हो रहा है। लेट्स से अगर हम ROH प्लस रेड फॉस्फोरस Cl2 अगर हम लेट्स से Br2 अगर हम ले लें तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा RBr। सिमिलरली अगर आयोडीन हो और रेड फॉस्फोरस गिवेन हो तो ये RI बन जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। और जो ये लास्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है ROH प्लस SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ विथ एक मैकेनिज्म, आपने इससे जस्ट पहले पढ़ा SNI रिएक्शन के नाम से मैंने पढ़ा है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप उस एग्जांपल को रेफर करें, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, उसका तो मैकेनिज्म भी मैंने बता रखा है। तो अब इसमें कुछ थ्योरीज हैं, आप उन थ्योरीज को पढ़ सकते हैं, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में जब हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, एंड इसका जो दिया है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो ये बेसिकली जैसा मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पार्ट बाय पार्ट बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, तो ये वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही आया है जिसको एक नाम दिया गया है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। हम बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दैट इज फ्री रेडिकल। कैसे होता है आइए बताता हूँ। तो आइए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें
तो लेट से हमने कोई इथेन मॉलिक्यूल लिया, इथेन लिया हमने और Cl2 लिया, HDU इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कब टेक प्लेस होते हैं, जब इनका होमोलाइटिक क्लीवेज हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, आइदर हम उन्हें किसी तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम एनर्जी लाइट के फॉर्म में करें प्रोवाइड या हीट के फॉर्म में करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें एनर्जी चाहिए। ये बेसिकली किस तरह होता है, इसमें कुछ होता है वो Cl एंड Cl जो बॉन्ड होता है ड्यू टू HNu, ये बॉन्ड टूट जाता है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन इसका वापस एंड एक इसका। अब सिंस एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए हम आधा इसको बांट रहे हैं। अगर आप न्यूक्लियर फ्लिप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो उसमें पूरा पूरा एरो दिखा रहे थे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे, बट इन दिस केस मतलब फ्री रेडिकल के केसेस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, इसलिए हम हाफ एरो से ही डोनेट करते हैं। यहाँ तक समझ में, तब जब हाफ हाफ टूट जाएगा तो सेम रेडिकल बन रहे हैं तो क्लोरीन रेडिकल फॉर्म होगा। अब ये कुछ इस तरह से फॉर्म होता है कि CH3 C हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्लस सॉरी ये जो Cl रेडिकल है, ये Cl रेडिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो एक Cl रेडिकल क्या करता है कि इस हाइड्रोजन के क्लीवेज करा देता है कुछ इस तरह से। तो जब ये क्लीवेज होता है, जब ये बॉन्ड क्लीवेज होता है तो कुछ CH3 C H H एंड रेडिकल फॉर्म होता है, प्लस ये Cl रेडिकल था। अब ये दोनों एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग करके CH3 C हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दोनों तो पूरा थे, ये दोनों जब शेयरिंग कर लेते हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है एंड दिस इज दिस। अब जो यहाँ से H रेडिकल निकला था वो अगेन दूसरे वाले Cl रेडिकल से मिल करके HCl फॉर्म कर लेता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अगर आप एनसीआरटी लाइनिंग पर हैं तो लाइनिंग कहा गया कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। आप क्लोरीनेशन कराइए, बेसिकली ये जो है क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उसे क्लोरीनेशन बोलते हैं, और अगर ब्रोमीन के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं उसे हम ब्रोमिनेशन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स गिव्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलो एल्केन्स। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप CH3 अगर हम इथेन की बात करें तो इसमें सारे पोजीशन सेम है, आप कहीं से भी Cl रेडिकल ऐड करिए, कहीं भी करिए, सेम प्रोडक्ट्स ही बनेंगे। इस एग्जांपल में स्पेसिफिकली ये एक अच्छी बात है कि अब यहाँ पर अगर Cl ऐड करते हैं तो भी CH3 CH2 Cl ही बनेगा, आप अगर इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी CH3 CH2 Cl ही बनेगा। बट क्या हो अगर हम प्रोपेन ले लें, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, अगर हम प्रोपेन ले लें तो प्रोपेन में तो दो चीजें हैं, एक आपको 1 डिग्री कार्बन है, एक 2 डिग्री कार्बन है, CH3 C H H C H, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। आप अगर Cl रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन इस वाले अगर हाइड्रोजन से कराएं, आप इस साइड के किसी भी हाइड्रोजन से करा लें या इस साइड के किसी भी हाइड्रोजन से करा लें, किसी एक से ही होगा। मोनोहैलोजिनेशन हम करा रहे हैं, मोनोहैलोजिनेशन मतलब एक ही क्लोरीन हमें ऐड करना है या फिर एक ही ब्रोमीन ऐड करना है, तो आप
या तो इस वाले से ऐड कर लें इस वाले में, या इस वाले में ऐड कर दें, कम सेम प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप इनमें से बनाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2 और ये CH2 और Cl आपका ऐड हो जाएगा। ये तो एक प्रोडक्ट बना। अब ये भी हो सकता है कि ये Cl रेडिकल जो है इन तीनों से रिएक्शन ना करके बल्कि इस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ले, पॉसिबिलिटी तो है एंड होगा ही। तो प्लस ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक प्रोडक्ट बनेंगे, एक हो सकता है कि इस हाइड्रोजन से अगर रिएक्शन कर दे तो CH3C अगर इससे रिएक्शन करेगा तो इसको हटा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ Cl ऐड हो जाए, CH ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पर लिखा शॉर्ट में एंड अगेन CH3। आप अगर देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ये 1 डिग्री हैलाइड है, अगर हम इसकी नॉन क्लोचर करें तो 1 क्लोरोप्रोपेन आएगा। अगर हम इसकी नॉर्मल क्लोचर करें तो 1 क्लोरोप्रोपेन आएगा, और इसकी अगर हम नॉर्मल क्लोचर करें तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन आएगा। और ये जो 1 और 2 है इनका अगर हम फॉर्मूला देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3 तीन कार्बन है, हाइड्रोजन की अगर हम काउंटिंग करें तो 3 2 5 + 2 7 Cl। अगर हम इसकी बात करें तो C3H3 2 6 + 1 7 + 1 Cl, दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और अगर किसी भी कंपाउंड के दो डिफरेंट नॉमनक्लेचर आ रहे हों, अगर हम उन दोनों को नॉमनक्लेचर करते हैं और नॉमनक्लेचर डिफरेंट आता हो, अगर आपने नॉमनक्लेचर में गलती न की हो तो ऐसा ना हो कि आप गलती कर दें और फिर बोले कि नॉमनक्लेचर में डिफरेंट आ रहा है। तो मेरी बात को समझिए कि नॉमनक्लेचर आपका डिफरेंट आ रहा हो और मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, उस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। ये बेसिकली आइसोमेरिज्म चैप्टर का टॉपिक है, क्लास 11th। आइसोमर्स हम उन्हें बोलते हैं। तो यही आपको बताया गया है कि जब हम फ्री रेडिकल कोऑर्डिनेशन और ब्रोमिनेशन कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर क्या, अब सॉल्यूशन में तो ये भी फॉर्म हुआ और ये भी फॉर्म हुआ, तो इसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स आइसोमेरिक। आइसोमेरिक का क्या मतलब है, आइसोमेरिक का मतलब एक दूसरे के ये आइसोमर्स ही फॉर्म होंगे, पॉली हेलो एल्केन्स आर फॉर्म्ड विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड्स। इन दोनों को जब एक ही मतलब किसी भी डब्बे में या फिर किसी भी कंटेनर में जब रिएक्शन आप कराते हैं किसी भी बीकर में, तो अगर आप बीकर में एक ही मिल करेंगे तो ये दोनों एक ही फॉर्म होंगे, एक ही सॉल्यूशन में फॉर्म होंगे, तो उन दोनों को सेपरेट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। यही आपको दिया और लास्ट में बोला गया है कि जो है यूनिट 13 क्लास 11th दैट इज आइसोमेरिज्म चैप्टर के बेसिकली ये है। तो यहाँ होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय हाइड्रोकार्बन बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका तो मैकेनिज्म भी आपको मैंने बता चुका हूँ, तो इसमें भी कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 10.3, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है, क्वेश्चन गिवन है कि आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस गिवन कंपाउंड। आइए देखते हैं गिवन कंपाउंड क्या है। गिवन कंपाउंड है जो है हमारा गिवन कंपाउंड है वो है CH3 होल ट्वाइस CH
CH2 एंड CH3। आप इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ आपका इस तरह से आएगा CH CH2 CH3 एंड इससे दो CH3 अटैच्ड हैं कुछ इस तरह से। आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से होगा। आप इसके अगर नेमिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसकी नेमिंग क्या आ गई, 1, 2, 3, 4 टू मिथाइल ब्यूटेन। इसकी नेमिंग क्या आ गई, 2-methyl-butane। नेमिंग तो खैर आपको अच्छे से आती है, जो मुद्दे की बात है हम उसकी डिस्कशन करते हैं। अब कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल मोनो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ध्यान ना दें, आप इस बात को ध्यान दें कि जितने भी पॉसिबल हैं सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उन्हें हमें बनाना है। तो आइए देखते हैं। अब आप इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें किस तरह के हाइड्रोजन्स हैं या फिर किस तरह के कार्बन्स हैं। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये 1 डिग्री है एंड अगेन ये 1 डिग्री है। तो आप स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लोरीनेशन, एक एक से स्टार्ट करेंगे हम, कोई हड़बड़ी नहीं। हम क्या किए, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2। हमने क्या किया, इसकी एक हाइड्रोजन से Cl को सब्स्टिट्यूट किया। हमने क्या किया कि भाई सब्स्टिट्यूशन बाय फ्री रेडिकल, हमने यहाँ पर एक Cl सब्स्टिट्यूट किया। मैंने रिएक्शन आपको बता चुका हूँ पीछे मैकेनिज्म में किस तरह से बनता है, एक रेडिकल बनता है, फिर हाइड्रोजन से रेडिकल निकलता है और फिर Cl रेडिकल उस पर अटैक करके उसे अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। एक आपका ये बन सकता है प्लस आपका और मॉलिक्यूल कौन सा बन सकता है, यह भी हो सकता है कि इससे हाइड्रोजन न लेके इस वाले से ले ले, बिल्कुल हो सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर इस वाले से लेगा तो ये दोनों तो हमारा सेम ही रहेंगे CH। अब एक हाइड्रोजन के जगह यहाँ पर Cl ऐड हो जाएगा और ये हमारा CH3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम एक ही क्लोरीन ऐड करना है, ये नहीं कि हम एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे क्लोरीन को ऐड कर दें। एक ये हो सकता है प्लस ये भी हो सकता है कि इस हाइड्रोजन पे अटैच्ड हो, मतलब ये वाला भी पसंद नहीं आया उसको, ये वाला भी पसंद नहीं आया, बोला कि हम तो यहाँ पर अटैच्ड होंगे तो ठीक है हम यहीं पर अटैच करा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है तो अटैच हो सकता है, हमने यहाँ पर एक अटैच कर दिया Cl CH2 CH3। अब एक और पोजीशन है, एक लास्ट एंड पोजीशन कौन सा है, अब आप ध्यान से देखें तो ये CH3 और ये CH3 कॉमन है। आप अगर यहाँ पर बनाएं Cl लगाएं ऐड करें या यहाँ पर ऐड करें, दोनों ही सेम होंगे, तो हमें सेम कंपाउंड को रिपीट नहीं करना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का ही फॉर्मेशन करना है। तो ये हो गया आपका CH2 CH3, यहाँ पर हमने नहीं कराया, यहाँ पर उसको इस यहाँ का हाइड्रोजन पसंद आया, उसने यहाँ का हाइड्रोजन एक ले गया और Cl छोड़ दिया और यहाँ CH3। अब बताइए क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी अगर आपको ये लगता हो कि ये हो सकता है तो ये गलत है, क्योंकि अगर फिर आप यहाँ प्रकट कराएंगे तो ये CH3 रह जाएगा, ये CH2Cl रह जाएगा, और CH2Cl तो यहाँ पर है, आप इसको पलटी मार दीजिए इस मॉलिक्यूल को, अगर आप इस मॉलिक्यूल को पलटी मार देंगे तो ये CH2Cl नीचे आ जाएगा, ये CH3 ऊपर चला जाएगा, तो सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा। अगर आप इसको और करके लिख सकते हैं, CH ऊपर न करा के हम नीचे करा दें CH2Cl और CH2CH3। हमने क्या किया, हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को या इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल का आप ऊपर से अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे CH2Cl ऊपर चल जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, सेम मॉलिक्यूल बन जाएंगे, दिस बोथ आर सेम।
अगर सेम है तो ये आइसोमर तो हो ही नहीं सकते। आइसोमर से कंडीशन होती है उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए, बट उनका नॉमेनक्लेचर अगर आप करें तो वो डिफरेंट आना चाहिए। आप इन चारों में अपने से नॉमेनक्लेचर करके देख लीजिएगा, हर एक का डिफरेंट आएगा। सिंस इनका नॉमेनक्लेचर डिफरेंट आएगा एंड दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मीन्स ऑल दे आर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, नॉमेनक्लेचर डिफरेंट आएगा, मतलब ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और आइसोमर्स में एक भी अगर हम कैटेगराइज करें तो इन दोनों इन सबको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। वो अपने काम करेंगे, यहाँ पर उतना डीपली क्वेश्चन नहीं जाते बोर्ड में कि इलेवेंथ के इतने सारे टॉपिक्स को मतलब ले लें। अब बस इस बात को ध्यान रखें कि डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन को ये निकाल सकता है, और जितने भी पॉसिबिलिटी है सबको आप चेक करें, एंड जितने भी पॉसिबिलिटी हैं उतने सब्स्टिट्यूशन होंगे तो चार प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एंड आपको आंसर में भी दिया हुआ है, जहाँ तक मुझे पता ये वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है तो एक्सप्लेनेशन का काम मैंने कर दिया कि क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट हैं। और अब हमारा जो बी पॉइंट आता है, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन स्टार्ट होता है। हेलोएरीन्स मतलब मैंने आपको बताया बेंजीन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भगवान है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बेंजीन है। तो क्यों ना हम इसको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, या फिर अभी देख लेता हूँ मैं। हाँ, तो इसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स जो है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच, एंड स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।